रतलाम जिले की अंतिम सीमा एवं कालूखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में करीब 10,000 लोगों की उपस्थिति में नम आंखों से वीर सपूत लोकेश कुमावत को अंतिम विदाई दी गई। विदाई के लिए न पुलिस बैंड था और न गार्ड ऑफ ऑनर। ग्रामीणों के क्रोध का सब्र तब नियंत्रण से बाहर हो गया जब भारतीय सेना के ट्रक से लोकेश कुमावत का शव मावता लाया गया तो सेना के वाहन में रखे शव के ऊपर तिरंगा भी नहीं था। करीब 2 घंटे तक वीर सपूत के घर के सामने ही करीब 3,000 से ज्यादा लोग इस बात पर अड़ गए कि माटी के वीर सपूत लोकेश कुमावत को शहीद का दर्जा देने की अधिकृत घोषणा की जाए, तभी सेना का वाहन में रखा शव आगे जाएगा। भारतीय सेना के महो इंदौर से आए कमांडो एवं जावरा से माफ्ता पहुंचे अधिकारियों हिमांशु प्रजापत, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रविन्द्र बिलवाल, पिपलोदा नगर पालिका सीएमओ आरती गरवाल एवं पिपलोदा तहसीलदार के समझाने के बावजूद भी आक्रोश का दावानल सिर्फ और सिर्फ लोकेश कुमावत को शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ा रहा। गांव के बीच चौराहे पर आलोट विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी, डीपी धाकड़ हिम्मत सिंह, श्रीमान राजेश भरावा, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष जगदीश यादव, भाजपा नेता के सिंह कालूखेड़ा एवं विवेक पोरवाल सहित करीब 3,000 लोग बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वीर सपूत के काका रामेश्वर गुमावत को साथ लेकर सेना के कमांडो ने धरना स्थल पर बैठे नेताओं एवं लोगों से कहा कि हमारी बात अधिकारियों से हो गई है, जो बातचीत हुई है उसमें घर के लोग संतुष्ट हैं और अब धरने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, तब सभी नेता उठ खड़े हुए और शव यात्रा के साथ शांतिवन पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शव यात्रा में करीब 7 मिनी ट्रक मातमी धुन बजाते हुए चल रहे थे और उसके पीछे पीछे सेना का ट्रक शव को लेकर चल रहा था। हजारों लोग लोकेश कुमावत अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा लोकेश तेरा नाम रहेगा के नारे लगा रहे थे। माफ्ता में सिर्फ और सिर्फ नरमुंड दिखाई दे रहे थे और अंतिम यात्रा के समय गांव में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोकेश कुमावत के अंतिम दर्शन के लिए अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, मंदसौर और रतलाम झीले से भी काफी लोग माफ्ता अंतिम दर्शन के लिए आए थे। लोकेश के अंतिम दर्शन के लिए हर कोई घर के छज्जे, गैलरी, बरामदे, छत एवं आंगन में खड़े होकर फूलों की पंखुड़ियां एवं गुलाल उड़ाते देखे गए। ठीक 2:11 पर पार्थिव देह को वीर सपूत लोकेश कुमावत के अनुज भ्रांता विशाल कुमावत ने मुखाग्नि दी। माना जा रहा है कि लोकेश को इसकी इंफाल में गोली लगने की बात सामने आ रही है, लेकिन भारतीय सेना से गोली लगने की अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। न पुलिस का बैंड, न गार्ड ऑफ ऑनर और तो तिरंगा भी नसीब नहीं होने के कारण लोग अंजुभित एवं आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर बात क्या है, कि लोकेश को शहीद का दर्जा देने के पीछे का राज क्या है। इधर अंतिम संस्कार हो रहा था, उधर सेना के कमांडो एवं अनुभागीय अधिकारी जावा हिमांशु प्रजापत ने गांव के सरपंच के घर जाकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत मृतक लोकेश के घर जाकर 1,00,000 रुपए का एक चेक तथा 34,000 रुपए के 3 चेक सेना वेलफेयर फंड से मृतक की मां रेखाबाई कुमावत को प्रदान किए। बेटे की मौत की रुदन में मां रेखाबाई दहाड़ते हुए कह रही थी, मेरा लाल चला गया, अब मैं ये पैसा लेकर क्या करूंगी। इस रुदन के समय परिवार की महिलाओं ने रेखाबाई को बहुत खूब समझाया, लेकिन वो दहाड़ दहाड़ कर रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद रास्ते भर हर किसी के मुंह से ये सुनाई दे रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि वीर सपूत का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। रहस्य का ये पर्दा उठेगा भी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। वही क्या कहा जिला पंचायत उपाध्यक्ष रतलाम डीपी धाकड़ ने, आइए सुने। नमस्कार, वॉइस ऑफ एमपी से पवन धाकड़ बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। सर आज जो मावता में जो मामला हुआ, बताया जा रहा है कि जो शहीद मृतक शहीद जो उसको गांव में लाए गए थे तो उसको सलामी नहीं दी गई। हम लोग भी वहीं पे थे, हमें जब फौज के जवान यात्रा लेकर जावरा से मावता पहुंच रहे थे, गांव में हजारों लोग स्वागत करने खड़े थे, अधिकारी वहाँ गाड़ियां रोकने को तैयार नहीं थे, जैसे कैसे आए तोबा करके गांव ले गए। और वहाँ भी हमें ये डाउट हुआ कि भाई शहीद को तिरंगे में लाना चाहिए, गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ये सारा प्रशासन चाहता था कि जैसे तैसे अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए। जी जी, बताया जा रहा है कि धरना भी दिया गया था वहाँ पे। गांव और हमारे जितने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के जो नेता थे जी, उन सब ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी और करने का प्रयास भी करा जी, कि भाई बताओ ये परिजनों को कि हमने एक जवान आपको दिया, वो शहीद हो गया, इसकी मतलब जब फौज का सिपाही होता है जी और वो
लड़ाई में जो होना है वो हो जाए, वो सब स्वीकार्य है, लेकिन घटना तो परिवारजनों को बताना पड़ेगी जी। वो तो मुंह बताने को तैयार नहीं थे जी। तो ये कब की घटना है? ये आज सुबह 9 बजे जावरा से इन्होंने शहीद के परिजनों को लेकर के जी वहाँ अंतिम संस्कार के लिए मावता पहुँचे जी। अंतिम संस्कार पूरा गांव 10-20 हजार लोग इकट्ठे हुए जी, और 2 बजे तक इंतजार किया जी। 2 बजे तक कोई भी जवाबदार इस बात को बात करने को ही तैयार नहीं था। तो इसमें इस समय कौन कौन पदाधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे? बड़े अधिकारियों में से कौन कौन पहुँचा था? बड़े अधिकारी क्या, एक नायब तहसीलदार मिली थी मेरे को बस जी। इसके अलावा वहाँ TI थे जी, और जावरा CSP साहब थे मुझे बताया गया जी, जी। इसके अलावा कोई भी प्रशासनिक अमला, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद कोई नहीं थे। बताया जा रहा है कि शहीद को शहीद का दर्जा न देने के लिए विरोध किया गया था। देखो विरोध नहीं था, वो मांग थी हमारी बिल्कुल कि भाई हमारा जवान जो आज एक का सिपाही है जी, सेना का जवान है, उसने शहादत हुई है उसकी जी, और ऑन ड्यूटी जो भी हो जाए, अगर वो ड्यूटी पे था उसके साथ कोई भी घटना घट गई उसका मान सम्मान तो रखना पड़ेगा, उसको गार्ड ऑफ ऑनर तो दो जी। 10-20 हजार लोग इकट्ठा काय को हुए थे जी, वो सम्मान के लिए हुए थे, नहीं तो कोई कोई भी सेठ बन जाए जी या किसी दल का नेता स्वर्गवास हो जाए तो क्या 20 हजार लोग आते हैं बिना बुलाए जी जी। आज सारा क्षेत्र, कई राजस्थान से भी लोग आए थे कि वीर जवान की शहादत हुई है उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और प्रशासन और सरकार ऐसा कर रही जी। आपका आपका शुभ नाम बताइए। मैं DP डाकड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रतलाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।